हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल हम कर रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड केले हेमिल्टन थ्योरम ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देख लेना केले हेमिल्टन थ्योरम आपको इस तरह से आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ केले हेमिल्टन थ्योरम और इसकी स्टेटमेंट जो ये है ये आपको याद रखनी है एवरीजियर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन करैक्ट्रिस्टिक इक्वेशन का टॉपिक मैंने पहले आपको करवाया है करैक्ट्रिस्टिक इक्वेशन होती क्या है ये हमारी होती है ए माइनस लैमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो इस टाइप की करैक्ट्रिस्टिक इक्वेशन हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है स्टेटमेंट प्रूफ पूछ लिया जाता है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है तो ध्यान से देख लेना इसका प्रूफ तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ है क्या पूछा क्या हुआ है उसके बाद हम इसके प्रूफ पे आएंगे सबसे पहले बोला गया है कि क्रैक्रिस्टिक इक्वेशन एवरी स्केयर मैस्ट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स क्रैक्रिस्टिक इक्वेशन देखिए क्रैक्रिस्टिक इक्वेशन क्या होती है मैंने ये बताया आपको इसका डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा ए का जीरो हो जाता है ये क्रैक्रिस्टिक इक्वेशन आ जाती है अब a मैट्रिक्स अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है टू बाई टू ऑर्डर का अगर ये टू बाई टू ऑर्डर का स्केयर मैट्रिक्स है तो आपके पास करेक्टिस्टिक इक्वेशन ऐसी कुछ आएगी ठीक है यहाँ पे ए वन ले, ले लेते हैं ए वन लैमडा प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अगर ये मैट्रिक्स टू बाई टू का ना हो के थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स हुआ तब इक्वेशन कैसी आएगी तब इक्वेशन आएगी लैमडा क्यूब प्लस ए वन लैमडा स्केयर प्लस ए टू लैमडा प्लस ए थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो फिर वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आएगी ठीक है लेम्डा क्यूब प्लस ए वन स्क्यर प्लस ए टू लैमडा प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आएगी अब यही ए अगर थ्री बाई थ्री ना होकर एन बाय एन मैट्रिक्स हो जाए तब इक्वेशन कैसी होगी तब इक्वेशन होगी लैमडा रेज टू पावर एन प्लस ए वन लेमडा रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू लैमडा रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन जो ए एन हो जाएगी ठीक है इस टाइप की कुछ इक्वेशन होगी ए एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप की कोई इक्वेशन हाँ आपकी लम्डा एन में आएगी इस टाइप की इक्वेशन ही आएगी ना अगर ये एन बाय एन मैट्रिक्स हो ठीक है जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर ये कोई टू बाई टू मैट्रिक्स है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई अगर ये थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है क्यूबिक की क्वेश्चन आ गई एन एन बाय एन मैट्रिक्स है तो एन ऑर्डर की ये वाली इस टाइप की इक्वेशन हमें मिल जाती है हमने प्रूफ क्या करना है एवरी स्केयर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्ट्रिस्टिक इक्वेशन ये इसकी करेक्ट्रिस्टिक इक्वेशन आ गई अगर वो मैट्रिक्स ए है जो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं अगर वो मैट्रिक्स ए है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ए माइनस लेमडा आई अगर वो मैट्रिक्स ए है तो लेमडा की जगह पे अगर मैं ए रख दूँ लेमडा की जगह पे अगर मैं ए रख दूँ तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है ठीक है मुझे क्या प्रूफ करना है कि अगर मैंने लैमडा की जगह पे ए रख दिया मीन्स ए जो मैट्रिक्स है वो अपनी ही करेक्ट्रिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है तो इसका प्रूफ देखते हैं ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं मैंने आपको समझाने के लिए ये किया था तो यहाँ से ये चीज़ इरेज कर देते हैं अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे स्टार्टिंग कैसे करेंगे सबसे पहले लेट ए इज एन बाय एन स्केयर मैट्रिक्स ठीक है वो जो स्कीयर मैट्रिक्स है वो हम ए ले लेते हैं नाउ मोडलस ऑफ ए माइनस लैमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो इज करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ठीक है ए माइनस लैमडा आई जो है वो क्या होगी इसकी करेक्ट्रिस्टिक इक्वेशन होगी अब देखिए वो किस टाइप की होगी सो so, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किस टाइप का होगा ए नॉट प्लस ए वन लेमडा इस तरह से भी लिख सकते हैं ना ए टू लेमडा स्क्र प्लस अप टू सो ऑन ए एन लेमडा रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो वो इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास आ गई इसको हमने इस टाइप की इक्वेशन लिख लिया और हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे इसको नंबर वन दे देते हैं टू प्रूफ यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करना है कि लेमडा की जगह पे अगर मेरे पास ए आ जाए ठीक है ए टू ए स्कीयर प्लस अप टू सो ऑन ए एन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू जीरो ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है कि अगर लेमडा की जगह पे ए आ जाए तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ये मैट्रिक्स जो है ये अपनी ही करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है इसके लिए मैं क्या करूँगी देखिए हमारे पास एक चीज़ होती है अगर हम कहें एड ज्वाइंट ए को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते, है, है? करते हैं वो किसके इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ए इंटू एड ज्वाइंट ये करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है ठीक है अब ए की जगह पे अगर मैं रख दूँ ए माइनस लेमडा आई तो एड ज्वाइंट ए माइनस लेमडा आई वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई और साथ में आई यही आ जाएगा ना ए माइनस लेमडा आई एट ज्वाइंट ए माइनस लेमडा आई ए माइनस लेमडा आई इन टू आई अब यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई तो मुझे पता है एट ज्वाइंट ए माइनस लेमडा आई क्या होगा देखिए इसको ले लेते हैं लेट एट ज्वाइंट ए माइनस लैमडा आई इज इक्वल टू किसकेक्वल लेते हैं बी नॉट प्लस बी वन लैमडा इस टाइप की ही कोई इक्वेशन बनेगी बी टू लेमडा स्केयर प्लस अप टू सो ऑन देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है जब हमने a माइनस लेमडा आई लिया ना तो हमने लिया n पावर तक यहाँ तक लिया ना मैंने आपको बताया कि n तक हम क्यों आए हैं ठीक है लेमडा रेस्ट टू पावर n तक हमने ये क्यों लिया है मैंने आपको बताया बिकॉज हमने n बाई एन मेट्रिक्स लिया है ठीक है तो इसलिए हमने लेमडा रेस्ट टू पावर n तक लिया है अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जो एडजोइंट ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है ठीक है एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है मीन्स अभी ये पावर्स हमारी एन तक नहीं जाएंगी कहाँ तक जाएंगी एन माइनस वन तक जाएंगी तो ये आपके पास आएगा बी एन माइनस वन लेमडा रेज टू पावर एन माइनस वन यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है क्यों यहाँ पे एन माइनस वन तक लिखी है आपको समझ आ गई कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है तो ये यहाँ पे हम एन माइनस वन तक लेंगे और ये जो वैल्यू हमने एडजॉइंट ए की ज्यूम की है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ठीक है ए माइनस लेमडा आई ये आपके पास हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई और ये वैल्यू आपने एज इट इज यहाँ पर रख दी बी नोट प्लस बी वन लेमडा प्लस बी टू लेमडा स्केयर प्लस अप टू सो ऑन बी एन माइनस वन लेमडा रिज टू पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू अब मोडल्स ऑफ ए माइनस लेमडा आई ये हमने किसके इक्वल लिया था यहाँ पे ये यह लिया था तो ये लिख देते हैं ए नॉट ए वन लैमडा ये कंप्लीट लिख देते हैं ए नॉट प्लस ए वन लैमडा प्लस ए टू लेमडा स्केयर अप टू सो ऑन ए एन लैमडा रेज टू पावर एन और मैंशन कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्लियर हो गई इतनी चीज अब ये देखिए अब यहां पे लेमडा ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो यहां पे हम लेमडा की जो क्वाफिशियंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं यहां पे हम लिख देते हैं कंपेयर कंपेयर द लाइक क्वाफिशेंट ऑफ पावर्स ऑफ लैमडा ठीक है तो की पावर देखिए अब यहां पे ए नॉट है अब नेक्स्ट कांस्टेंट के साथ इसको लिख देंगे ए बी नोट अब यहां पे देखिए ए बी नोट फर्स्ट वैल्यू यही आएगी और ये ए नोट के साथ इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू ए नोट ठीक है नेक्स्ट देखिए लेमडा के साथ यहां पे ए वन है यहां पे ए बी वन आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे इसको लेंग, इसको लैमडा बनाएगा देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई यही होगा ना ए बी वन माइनस ये लैमडा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी नॉट और लैमडा इनका कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा ए बी वन माइनस बी नॉट इज इक्वल टू ए वन यही होगा तो ए बी वन माइनस बी नॉट इज इक्वल टू ए वन क्लियर होगी इतनी चीज अब नेक्स्ट देखिए ए टू यहाँ पर क्या आएगा ए बी टू माइनस दोनों को मल्टीप्लाई बनेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस बी वन ए बी टू माइनस बी वन ठीक है यहाँ पे क्या आया ए बी टू माइनस बी वन विल बी इक्वल टू ए टू यहां साथ आई बिकॉज ये यहां पर इक्वेशन में आई भी था हमारा ठीक है तो नेक्स्ट देखिए लास्ट में चले जाते हैं ए बी एन माइनस वन लेमडा की पावर क्या बनेगी एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन अब टू सो ऑन यहाँ कर देते हैं बी एन माइनस वन माइनस अब यहाँ पे लेमडा की पावर एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन के साथ आई है ठीक है लेमडा की पावर एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन के साथ आएगा देखिए जब यहाँ पे एन माइनस वन है तो बी की बी यहाँ पर वन आ रहा है मीन्स यहाँ पे जो इसके पहले वाली कोई वैल्यू होगी जो यहाँ पे इसके पहले वाली कोई वैल्यू होगी उसके साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तब वैल्यू आएगी मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि एक वैल्यू जो इसके पहले थी बी एन माइनस टू लेमडा पावर एन माइनस टू यही कोई वैल्यू होगी ना बी एन माइनस टू लेमडा पावर एन माइनस टू जब इस लेमडा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी ये बनेगा लेमडा पावर एन माइनस वन तो मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा बी एन माइनस टू आएगा ठीक है तो ये मेरे पास आ गया बी एन माइनस टू और ए एन माइनस वन आई क्लियर तो लेमडा एन माइनस वन जो है ये ए एन माइनस वन इससे पहले वाली टर्म होगी तो मैंने यहाँ पे लिख दी अब नेक्स्ट लास्ट में देखिए अब मुझे चाहिए लेमडा पावर एन लास्ट में मेरे पास यहाँ पे है लेमडा पावर एन तो मेरे पास यहाँ पे लेमडा पावर एन ए की पावर यहाँ पे तो खत्म हो गया अब ये जो लेमडा है यही लेके आ सकता है लेमडा पावर एन ठीक है ना तो इसको जब मैं इस लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा लैमटा पावर एन तो ये क्या है माइनस बी एन माइनस वन ये क्या आएगा माइनस बी एन माइनस वन तो ये आ जाएगा माइनस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल ए एन आई के क्लियर होगी इतनी चीज अब यहाँ पे ये सारी इक्वेशन हमारे पास आ गई अब इन इक्वेश को हम क्या करते हैं देखिए अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ ए बी नॉट मेरे पास यहाँ पे भी ए हो ना तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ अब ए बी वन है यहां पे भी ए हो तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ ठीक है तो मैं क्या करती हूं इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूं नाउ मल्टीप्लाई अबव इक्वेश विथ आई ए A, A up to so सो ऑन ए रेस्टू पावर एन रिस्पेक्टिवली ठीक है मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप आई के साथ करोगे देन इसको ए के साथ इसको ए स्कीयर के साथ इसको करोगे ए square के साथ ये ए to पावर एन माइनस वन वाली है तो इसको ए to पावर एन माइनस वन के साथ और ये ए एन के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होगा कि सबको ऐसे मल्टीप्लाई करना है मीन्स जब हमने इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा ए बी नॉट ये एज इट इज ये आ जाएगा ए बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट आई ठीक है देन सेकेंड टर्म को आपने सेकेंड जो इक्वेशन है इसको ए के साथ करना है तो ये आ जाएगा ए स्केयर बी वन माइनस ए बी नॉट ठीक है ए स्केयर बी वन ए स्केर बी वन माइनस ए बी नॉट इज इक्वल टू ए वन तो यहाँ आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया है आई ठीक है तो नेक्स्ट इसको आपने ए के साथ कर दिया अब आप इसको करोगे ए स्केयर के साथ तो ये आपके पास हो जाएगा ए क्यूब बी टू माइनस ए स्केयर बी वन ठीक है ए क्यूब बी टू ए क्यूब बी टू माइनस ए स्केयर बी वन इज इक्वल टू ये ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे हमारे पास था ए टू क्लियर अब नेक्स्ट सो ऑन लास्ट में देखिए ये एन माइनस वन वाला है इसको किसके साथ करना है ए की पावर एन माइनस वन माइनस ए रेस टू पावर एन माइनस वन बी एन माइनस टू ठीक है टू पावर टू इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन माइनस वन ए एन माइनस वन आई क्लियर और नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है तब आपके पास क्या बचती है ए रेज टू पावर एन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा ए रेज टू पावर एन बी एन माइनस वन ठीक है तो ये आ जाएगी माइनस ए रेज टू पावर एन बी एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन ए एन आई क्लियर अब यहाँ पे देखिए नाउ एड अब इक्वेशंस अब ये ऊपर वाले सारी इक्वेशंस को हम अगर ऐड करते हैं मैंने इनको प्लस कर दिया सबको तो ये देखिए ए बी नॉट ये ए बी नॉट के साथ कैंसिल आउट हो गया ए स्केयर बी वन ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया ए क्यूब बी टू यहाँ पे कोई टर्म होगी इस तरह से ये जो टर्म है ए एन बी एन माइनस वन ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया ये इसके साथ जो ऊपर इसके टर्म होगी ये वाले टर्म इसके ऊपर वाली कोई टर्म के साथ पहले ही कैंसिल आउट हो चुके हैं मीन्स ये सारे टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होके यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज जीरो तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है आई को आप कॉमन निकाल दो आई को कॉमन निकाल दो तो मेरे पास आ गया ए नॉट ए ए वन ठीक है आई तो वैसे ही उसके साथ खत्म ही हो जाएगा ए नॉट यहाँ पर देखिए ए नॉट प्लस ए ए वन प्लस ए ए वन प्लस ए स्क्र ए टू प्लस ए क्यूब ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन प्लस ए रिज टू पावर एन ए एन ठीक है तो ये जो इक्वेशन आपके पास आई है हमारे पास जो इक्वेशन थी ये देखिए जो हमने टू प्रूव वाली इक्वेशन लिखी थी क्या ये वही इक्वेशन नहीं आ गई है टू प्रूव हमने यहाँ लिखा था ये ए नोट ए वन ए टू इज गियर तो ए एन एर इज टू पावर एन तो ये हमारी सेम इक्वेशन आ गई तो हैंस यहाँ पे हम मैंशन कर देते हैं विच इज द रिक्वायर्ड proved, क्लियर हो गया ये पूरा प्रूफ अच्छे से देख लेना अगर कहीं पे समझ नहीं आती है कमेंट करके पूछ लेना अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस और मैं आपके लिए लेके आती हूं थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज